देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के लोगों के हक का पानी नहीं दिया जा रहा है। 28 लाख लोगों को पीने का पानी 100 एमजीडी पानी से मिल सकता है और वो पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। आप मटके फोड़ रहे हैं, यहां पे कर्मचारियों को मार रहे हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे भाजपाई कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे कि इस पानी के संकट को दूर करने में हमारा सहयोग करें। कहीं पाइप की, कहीं वाटर की सप्लाई पाइपलाइन तोड़ने में जुटे हुए भाजपाई। आप पहचानिए इनको, कितने क्रूर लोग हैं ये, और आपके संकट के समय में कैसा आपको कुचलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों पे तो हमला हमला करते रहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा बीजेपी के लोग कितने क्रूर और निर्दयी हैं कि संकट के समय में उनका आपको सहयोग करने की कोई मंशा नहीं है। जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां जाके पाइपलाइन तोड़ते हैं भाजपा, जहां पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो रही है वहां जाके कार्यालय तोड़ते हैं भाजपा। रमेश विधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यालय तोड़ा। अब बताइए, डर के मारे कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पीछे से हरियाणा से पानी रोक दिया, यहां ड्रामा कर रहे हो। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदर्शन करना है तो जाके हरियाणा भवन पे करो, बीजेपी के दफ्तर के सामने करो और दिल्ली के हक का पानी लेकर आओ। हम कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे हैं हरियाणा से, याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 28 लाख लोगों के बराबर पीने के पानी, 100 एमजीडी पानी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोका है, हम वही पानी मांग रहे हैं। फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा। तो पानी का संकट खुद से प्रायोजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में एलजी को भी शामिल करते हो, नायब सिंह सैनी को भी शामिल करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह, ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। और एक मंत्री के तौर पर आतिशी जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए, कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा, कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई, एलजी से अनुरोध किया, अधिकारियों से कहा, केंद्र सरकार से कहा, विनती की, प्रार्थना की, हरियाणा सरकार से कहा, दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए, 28 लाख लोगों के हक का पानी दे दीजिए, जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं, उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तैयार नहीं। आइए बैठिए ना, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात कीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। और अगर दिल्ली के संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जाएगा। सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर एलजी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया, उसके बाद यहां नौटंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो चल रहा है, और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक जल मंत्री को, जल के लिए, पानी के लिए, एक पानी की मंत्री को, एक पानी के संकट के लिए जब वो थक गई, हार गई, तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कल से आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।